अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो रमानी इलेक्ट्रिक। मैं एक बेल्ट लगाने का तरीका बताऊंगा, इस पे मोटर पे कौन सा बेल्ट लगता है और इस कैसे सेटिंग करनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने बेल्ट आपके सामने लगाया, ये मोटर के लिए बहुत बड़ा बेल्ट है। अगर मोटर को हम नीचे से ऊपर भी कर देते हैं, नट टाइट कर देते हैं, फिर भी नहीं लग सकता। अभी हम दूसरा बेल्ट चेक करेंगे, फिर मैं आपके सामने बेल्ट लेके आया हूँ, फिर आपको सामने लगा के मैं चेक कराऊंगा, फिर लगता है कि नहीं लगता ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने लगाया, ये भी बहुत छोटा पड़ रहा है, बहुत छोटा बेल्ट है ये भी। ये देखो कितना छोटा है, इसको भी हम उतारेंगे, फिर दोबारा एक दूसरा नया बेल्ट लेंगे, उसको चेक करके देखेंगे, वो लगता भी है नहीं लगता। ये हमारे सामने 34 नंबर का बेल्ट है, अब इसको लगा के चेक कर दे, ये फिट आता है या नहीं आता, या इसकी सेटिंग बिठाएँ। ये देखो, ये मैंने लगाया, इसमें थोड़ी सी सिर्फ सेटिंग करनी, ये हमारा बेल्ट बिल्कुल सेट है, हम इसकी सेटिंग करेंगे इस बेल्ट के ऊपर। अभी जो हमारा जो नट नज़र आ रहा है, जो मोटर के नीचे नट लगा हुआ है, 13 नंबर का नट लगा हुआ है, इसको हम 13 की चाबी से इसको टाइट करेंगे, ऊपर की तरफ टाइट करेंगे, ताकि जो हमारा बेल्ट है मोटर ने हमारे नीचे आ जाए और बेल्ट थोड़ा नरम हो जाए, आराम से लग सके हमारा बेल्ट जो है। अभी मैंने तो टाइट किया, अभी भी नहीं आ रहा, इसका मकसद ये है हमारा जो नट है थोड़ा और ज़्यादा टाइट होगा अंदर की तरफ। इसकी जो पट्टी मैंने थोड़ी सी बाहर निकाल ली है, ताकि बेल्ट लगने में आसानी हो। देखो थोड़ी सी आपको पट्टी इस तरीके से बाहर निकाल लिए, अभी भी नहीं लग रहा, बहुत टाइट है बेल्ट अभी भी। तो अभी दोबारा फिर हम इसको टाइट करके देखेंगे नट को, कि थोड़ा ढीला होता है, ये चाल होती बेल्ट के अंदर नहीं होती। हम पानी से ट्राई मारेंगे, ऐसे ही होता है, ये बेल्ट उतारना पड़ेगा। ये देखो अभी इतना टाइट है नट कि हमारा नट ही नहीं घूम रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि हमारे मोटर के ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से इसके ऊपर लोड आया हुआ है, इसी वजह से ये घूम नहीं रहा। आपके साथ भी ये अगर मसला हो तो आप भी इस तरीके से काम करना, आपको सबसे पहले बेल्ट उतार लेना, बेल्ट उतारने के बाद फिर आपको नट टाइट करना। अभी लोग इतनी इजीली नट टाइट हो रहा है हमारा, जैसे नट फुल टाइट हो जाएगा ये बिल्कुल आराम से इसकी जगह बन जाएगी, फिर आराम से उतरेगा भी और लगेगा भी। अब मैं आपके सामने पहले उतार के फिर आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से बेल्ट लगाते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइट है लेकिन चढ़ गया, फिर आपके सामने मैं उतार के फिर आपको दिखाता हूँ लगा के किस तरीके से लगाते हैं और उतारते भी किस तरीके से। ये मैंने पुली के ऊपर बेल्ट रखा, फिर नीचे वाली पुली पर रखा, ये फिर मैं चढ़ाया, देखो आराम से आपके सामने लग गया बिल्कुल, लेकिन अभी भी हल्का फुल्का इसके अंदर टाइटपन है। तो हमारा जितना बेल्ट नरम हो उतना सही, ज़्यादा भी नरम आपको नहीं करना। अभी सबसे पहले हम जो पुली की जो सेटिंग है लेवल पे हमने करनी है, इसकी जो पुली ज़्यादा मतलब कि आउट है, हम इसको लेवल कर लेंगे। बेल्ट तो हमारा लग गया, अब इसको हम लेवल करेंगे बिल्कुल, जो नीचे वाली पुली उसकी लेवल में आपको चेक कर लेना, इसी तरीके से आपको सेट करनी है। अगर आप पुली की सेटिंग आउट करोगे तो आपका बेल्ट बार बार टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा, इससे आपकी मोटर को भी नुकसान हो सकता है और आपका बेल्ट भी रोज़ रोज़ टूटेगा या ख़राब हो जाएगा, ये दोनों तरीके। और इसका नट अच्छे तरीके से आपको टाइट कर लेना, इसके अंदर भी जो पुली के अंदर नट लगा हुआ है ये भी 13 नंबर का नट लगा हुआ है। अभी हम फिर चला के चेक कर लेंगे, देखो अभी आपके सामने रवा है, ये देखो बिल्कुल घूम रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का चाल है। फिर भी दोबारा हम थोड़ा इसको फिर पट्टी को बिठाएंगे, बेंड करेंगे ताकि, ये देखो अगर आपने ज़्यादा भी नरम कर दिया तो फिर भी आपकी मोटर में लोड जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा ये पुली आपकी रुक जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।